फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, आप क्लास 11th में होंगे तो आपको देखा होगा कि आप साइन थीटा बराबर जीरो है, तो जब 10th में थे आप तो आपसे पूछते थे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहते थे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। कैसे? आप कहते थे साइन थीटा इज जीरो मीन्स साइन जीरो। अब साइन साइन हटा दिए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो डिग्री, जीरो। तो दैट्स ट्रू, वो सत्य बात है, वो गलत बात नहीं है। पर अब परेशानी क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा जीरो होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि साइन पाए ट्रिग्नोमेट्री, आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे तब देखा होगा कि साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन थ्री पाई भी जीरो होता है, और साइन माइनस में भी होता है, साइन माइनस पाई भी जीरो होता है, ये सब जीरो है। साइन माइनस पाई जीरो है, साइन माइनस टू पाई जीरो है, तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो थीटा की वैल्यू कौन सी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, टू पाई भी हो सकती है, क्योंकि ये भी सब जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये सारे वैल्यूज जीरो हैं। तो ऐसी कितनी सारी वैल्यूज है, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच वैल्यूज, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो फिर तो दिमाग खराब होना है, तो फिर क्या करेंगे यार, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का स्पेशल वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। तो देखिए कि साइन एक्स का आपने अगर ग्राफ देखा हो तो आपको थोड़ा ग्राफ पे नज़र डालनी होगी। मैं ये ग्राफ थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, काफ़ी थोड़ी देर तक रखेंगे इसको हम संभाल संभाल के, तो और आगे से बना देते हैं, यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से बना दिया मेरे बच्चों ग्राफ। साइन का ग्राफ आपने नोटिस किया होगा कि यूं जाता है, यूं जाके फिर यूं जाके फिर आगे जाके ऐसे अल्टरनेटिंग करंट के तरह से बन जाता है ना, ये बनता है, ऐसे पीछे भी जाता है। और आपको मालूम है कि आपके सर को ड्राइंग बहुत अच्छी से नहीं आती, तो इसलिए माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो देखते हैं, ये कौन है जीरो, ये कौन है आधा सर्कल है, आधे सर्कल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री यानी पाए, फिर ये आधा है तो ये हो जाएगा 2 पाए, ये फिर कितना हो जाएगा 3 पाए, आगे कितना हो जाएगा चलो 4 पाए, फिर ये तो होता ही जाएगा, इसका तो कोई ख़त्म नहीं है, ज़िंदगी जितनी बड़ी है उतना बनाते जाओ। इधर जाएंगे तो इधर माइनस पाए हो जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस 2 पाए हो जाएगा। तो एक ख़ास बात है, ये जीरो जब ही होता है जब पाए का क्या होता है, ये तो जब ये पाए का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो साइन थीटा जीरो कब होता है मेरे बच्चों, अब आपको याद रखना है इस ग्राफ के थ्रू, दिस ग्राफ विल हेल्प यू। साइन थीटा जीरो होता है जब थीटा क्या हो, या तो जीरो हो या प्लस माइनस पाए, ये प्लस का भी और माइनस का भी हो, प्लस माइनस 2 पाए हो, प्लस माइनस 3 पाए हो, तो साइन थीटा जीरो ऐसा होगा। तो फिर इसको शॉर्ट एंड स्वीट कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट है थीटा इज इक्वल टू क्या चीज हो, एन पाए, पर एन क्या चीज हो, एन हो जीरो, एन हो प्लस माइनस 1, एन हो प्लस माइनस 2, एन हो प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एन कुछ हो, तो एन कौन हो, ये किसका, ये सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर इंटीजर्स, तो एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जेड। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाए। तो आपके पास शॉर्ट एंड स्वीट एक कॉम्पैक्ट चीज बताता हूँ, आप ये याद रखिए, फिर इसको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। देखिए आप ऐसे याद रखिए, साइन थीटा जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाए, वेयर एन बिलोंग्स टू कॉलन, ये कॉलन, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड अंडरस्टूड है कि जेड इंटीजर है, कैपिटल जेड,
और वो जो स्मॉल जेड रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो भी एक जेड ही होता है। तो आप ये याद रखिए कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा बराबर एन पाई होगा, तो उसमें सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, जो डिस्कशन है वो समराइज हो गया इस बॉक्स के अंदर। तो आप ऐसे याद रख लेंगे तो आपका काम हो गया। अब जैसा साइन थीटा का विषय है, जैसा साइन थीटा 0 है वैसे कॉस थीटा का भी विषय है। तो कॉस थीटा 0 कब होता है? तो फिर अपन को एक काम करना पड़ेगा, कॉस का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। मैं इसको मिक्स नहीं करता हूँ लेकिन मिटाता भी नहीं हूँ, है ना। अब आप कॉस का ग्राफ देखते हैं, तो कॉस का ग्राफ भी थोड़ा इधर से बनाता हूँ जिससे दोनों तरफ की बातें आ जाएं आपके समझ में। कॉस थीटा का ग्राफ देखो, आपको मालूम है ये 0 है और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो साइन 0 कहाँ से स्टार्ट होता है? साइन 0 स्टार्ट होता है 0 से। साइन 0 0 होता है, इसलिए साइन 0 0 होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। और कॉस का ग्राफ, कॉस 0 1 होता है तो यहाँ से होता है, होता है इसी के जैसा है, ये इसके जैसा ही होता है। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का दिख रहा है आपको, वैसे ही होता है ये। अब ये वो हाफ सर्कल था, ये हाफ का भी हाफ है। हाफ का हाफ कितना होगा? तो हाफ का हाफ होगा पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, और इधर की साइड में ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू। ये इधर जाएंगे तो एक क्या होगा, पाई बाय टू में पाई जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3π/2, या माइनस पाई बाय टू में माइनस पाई जोड़ दोगे तो -3π/2। तो ये देखो कि कॉस थीटा कब कब 0 हो रहा है, जब जब ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काट रहा है। ये वाला आपका 5π/2 0, 5π/2 हो जाएगा, ये -5π/2 हो जाएगा। तो नोटेबल पॉइंट क्या है, जो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कॉस थीटा जब जब 0 होता है, जब जब थीटा क्या होता है, ये 1π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, तो कॉस थीटा जब जब ऑड π/2 होता है, ऑड π/2 होता है। कैसा π/2 होता है? ऑड। और ऑड के लिए आप क्या करते हो? तो ऑड के लिए थीटा कैसा लेते हो आप? या तो 2n+1 लेते हो या 2n-1, तो दोनों चलेंगे। और n बिलोंग्स टू क्या होगा? z। ये कैपिटल z है, बड़ा बना देते थोड़ा, n बिलोंग्स टू z, तो इसका भी बॉक्स बना देते। तो आपके पास एक पक्की बात आ जाएगी, वो पक्की बात क्या हो जाएगी कि कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, उसके जैसा ही। ये दोनों बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये दोनों बॉक्सेस आप ध्यान रखें, ये आपके लिए एक नंबर काम करेंगे। ये बेसिक से अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम चैप्टर के अंदर रहेगी नहीं, इसलिए इसमें बेसिक का जानना आपका बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि अगर आपके पास टेन थीटा 0 हो, तीसरी चीज भाई सबके बाद सबकी डिस्कशन करना पड़ेगी ना, तो टेन थीटा 0 हो तो क्या होगा? तो टेन थीटा 0 हो तो टेन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चला गया तो क्या बचा आपके पास? साइन थीटा 0। तो जो साइन थीटा का केस है वही लगेगा ना इसमें, क्योंकि भाई टेन कब 0 होगा? जब साइन 0 होगा। और साइन कब 0 होगा? जब ये होगा। तो साइन थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एन पाए, एन बिलोंग्स टू जेड। तो फिर एक काम करें, टेन थीटा का भी बॉक्स बना दें, फिर बॉक्स बना के अब अपन आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा अगर 0 है मेरे बच्चों, तो फिर थीटा इक्वल टू कितना होगा? एन पाए, और एन बिलोंग्स टू जेड। यहाँ कॉलन लगा देना, दिखने में ये छोटा सा कॉलन ये आ गया आपके पास, ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर देते, अच्छा बना देता हूँ मैं। एन पाए और ये कॉलन, तो
वही है जो साइन थीटा के लिए है, वही टेन थीटा के लिए है, कि जो साइन थीटा इक्वल टू जीरो है वही टेन थीटा इक्वल टू जीरो का है, और वही कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको समझाया साइन का ग्राफ, उस ग्राफ से ही इंटरप्रिटेशन है, उस ग्राफ का ही इंटरप्रिटेशन है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो ये तीन बॉक्स आपके लिए बहुत वरदानी साबित होने वाले हैं। तो अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये तीनों बॉक्सेस के बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, तो अगर मैं आपको इसके लिए एक बेस लेकर के चले, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको लें, तो आप देखें कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं और आपको इनका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जीरो वाला कोई क्वेश्चन बिल्कुल आप चिंता नहीं करो, साथ बने रहो। इसमें थोड़े डायरेक्ट हैं लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन, चलो मैंने बुक उठा ली है तो इसलिए मैं इसको पहले इसी को करता हूं, या आप एक काम करें पहले कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे समझ लेते हैं अपन। साइन फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ऑफ फोर थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम आगे कैसे बढ़े। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस लेता हूँ। तो साइन फोर थीटा इक्वल टू जीरो है तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन थीटा जीरो है तो थीटा बराबर एन पाई, तो साइन फोर थीटा जीरो है तो फोर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, और एन बिलोंग्स टू जेड, तो इससे पता चल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन पाई बाय फोर, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया आपका। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपका इसी का ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका कॉस 4x इज इक्वल टू कॉस 2x, कॉस 4x इज इक्वल टू कॉस 2x, तो इसी ढंग से करते हैं हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं आप कॉस 4x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो। अब आप कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दें। अच्छा, अगर आपने ये डेरिवेशंस जो ये फार्मूलों के, ये फार्मूले याद रखने के लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें तो आपको ये सारे फार्मूले रटा जाएंगे, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू माइनस टू, तो ये आ गया आपके पास माइनस टू साइन 4x प्लस 2x बाय 2 साइन 4x माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस 2 को आप उधर भेज दें, ये हो जाएगा आपका साइन 3x और ये हो जाएगा आपका साइन x। तो दिस इंप्लाइज, इससे ये पता चला दोस्तों, या तो साइन 3x जीरो हो या फिर साइन x जीरो हो, या तो साइन 3x जीरो हो या साइन x जीरो हो। तो साइन 3x जीरो, साइन 3x जीरो कब होगा, तो साइन 3x जीरो होगा वो केस देखिए आप, वो जो बॉक्स लिखा हुआ है साइन 3x जीरो होगा, तो साइन थीटा जीरो तो थीटा एन पाए, तो इसमें हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एन पाए, तो x की वैल्यू हो जाएगी एन पाए बाय 3, एन बिलोंग्स टू व्हाट, कॉलन एन बिलोंग्स टू जेड, और इसमें इसमें हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये आपके दोनों मिलाकर के आंसर हो गए। आप ये आंसर लिख दें और अब हम थोड़े से आगे की बात करते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए। तो उसके लिए आपको तीन और डेरिवेशन समझने पड़ेंगे
जो ये क्वेश्चन नंबर टू है, अब मैं आपको डेरिवेशन समझाता हूँ। टेन एक्स यानी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का। आपको तीन डेरिवेशंस थे जो मैंने, तीन डिस्कशन थे, ये वाला और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का जो केस था वो मैंने समझाया आपको। अब आपको टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन। इसको एक काम करते हैं, हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इनको जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। फिर मैं आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन करूंगा, अभी हम जनरल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा। आप इसको लिख पाएंगे आप इसको लिख पाएंगे। देखिए, आप फॉर्मूला लग गया आपका, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी वाला, तो साइन ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब आप ये वाला देख लें, साइन थीटा जीरो है तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाए, एन बिलोंग्स टू जेड, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन पाए प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब है, कहने का, यहाँ पे मैं फार्मूला आपका बना के लिख देता हूँ कि अगर आपके पास टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी एन पाए प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये एक नया फार्मूला डिराइव हुआ टेन थीटा का। तो आपको टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के जैसे ही आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का भी बनेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए मैं बना देता हूँ आपको फॉर्मूला। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा को आप का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो माइनस टू साइन थीटा प्लस अल्फा बाय टू। अभी किया था इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले फॉर्म क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा माइनस टू तो उधर भेज दें, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय टू जीरो या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू को जीरो ले लें। अब थीटा प्लस अल्फा बाय टू कितना होगा? एन पाए, वो लिखा हुआ है आप देखो, साइन थीटा जीरो, इसीलिए मैंने रब नहीं किया। और इधर भी क्या हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू एन पाए। तो इससे क्या निकलेगा? इससे, इस वाले से देखें, इस वाले से निकलेगा आपका थीटा इज इक्वल टू टू एन पाए और अल्फा को उधर भेज दें, माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। इस दूसरे वाले से क्या निकलेगा? इससे भी वही निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाए, बस माइनस अल्फा हो जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? टू एन पाए प्लस अल्फा और एन बिलोंग्स टू जेड। एक में देखो क्या है, एक में माइनस है, एक में क्या है? प्लस है। तो दोनों को क्लब करो, दोनों भागों को क्लब कर दो। तो इन दोनों को जब क्लब करेंगे, ऑन क्लबिंग देम, यानी जब कंबाइन कर देंगे, ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, जब आप कंबाइन करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू एन पाए प्लस बी ए माइनस बी ए अल्फा, एन बिलोंग्स टू वॉट? एन बिलोंग्स टू जेड। ये एक नया बन गया आपका, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा तो व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाए प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू जेड।
ये एक आपका नया फॉर्मूला हो गया। अब एक आखिरी चीज जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की बची है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके ये वाले जो खास खास पार्ट हैं सारे हो जाएंगे। अब आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को भी देख लें और समझ लें, वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, टू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और अभी आप देखिए, मैंने घड़ी देखी थी, अभी तकरीबन आपका 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट कुछ सेकंड, और बड़े आसानी से काम चल रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो स्किप ना करें, ना जल्दबाजी करें, आखिरी तक आप करेंगे, आपको चैप्टर एकदम अच्छे से आ जाएगा, मेरी गारंटी है आपके लिए। आप चिंता नहीं करें, 2 को उधर भेज दें, इधर दिस 0 और दिस 0। अगर आप ये 30 मिनट में चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये भी आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा दोस्तों। अब मैं फॉर्मूले साइड में लिखूंगा, ये सारे रब कर दिए हैं, और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, और आप यकीन मानिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम 10 मिनट के अंदर देख डालेंगे। लेकिन हाँ, हमें फॉर्मूले तो बच्चों सारे आने चाहिए ना। तो देखिए, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0, तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू होगा ऑड 2n+1 पाई बाय 2। इसमें क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कितना, एन पाई। आपको कंडीशन लिखाई थी कॉस थीटा 0 होगा तो ऑड पाई बाय 2 होगा एंगल। एंगल मतलब ये साइन में साइन थीटा 0 तो एंगल एन पाई होगा। तो देखिए, 2 से ये 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस अल्फा। इसमें देखें 2n π+α। अब हम एक काम करेंगे, n की जगह कुछ वैल्यूज रखेंगे, 0 ±1 ±2 ±3, है ना। n इंटीजर है, n बीइंग इंटीजर, ये वैल्यू रखना है, तो मैं दोनों पार्ट में रखूँगा, दोनों पार्ट में रखूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलम खींच देता हूँ, कॉलम बनाता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि दोनों में कैसे रखा, फिर आप अपना दिमाग खर्च करना। देखिए, पहले 0 रखा उसमें, उसमें जब 0 रखा तो हो जाएगा 2 × 0+1 π, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाए माइनस अल्फा, जब n की वैल्यू 0 रखी तो। यहां भी 0 रख दें तो यहां पे हो जाएगी थीटा की वैल्यू अल्फा। अब आप 1 रख दें, 1 जैसे ही रखेंगे वहां पे, तो यहां पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 2 × 1+1 3, 3 पाई माइनस अल्फा। यहां भी 1 रखेंगे आप, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π+α। थीटा इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे, -1 भी रखिए, 2 × -1 −2 + 1 −1 −1 π माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा −2π+α। अब आपको और पिक्चर क्लियर होगी, जब आप 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4+1, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5π। ये मैं लिख भी दूं कि थीटा क्या एन की वैल्यू 0 रखने से ये हुआ, एन की जगह 1 रखने से ये हुआ, एन की जगह -1 रखने से ये हुआ -1 से, और ये किससे हुआ, एन की जगह 2 रखने से हुआ 5π−α। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4π+α। एक बार -2 भी रख देते हैं, -2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 × −2 + 1 −3π, −3π−α। और यहाँ पे रखेंगे आप तो ये हो जाएगा -4π+α। तो कहने का मतलब है, पूरे उस प्रोसेस में देखो आप,
इसमें नोटेबल पॉइंट कब है? माइनस अल्फा जब होता है जब ये पाई का ऑड मल्टीपल है, 1 है, -1 है, 3 है, -3 है, 5 है, -5 है, और जब प्लस अल्फा है, कब कब प्लस अल्फा है? जब वो इवन मल्टीपल है, जब वो क्या है? इवन मल्टीपल है। तो इसको कंबाइंड कैसे करेंगे? इसको कंबाइंड थोड़ी तरकीब से करेंगे। थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एन पाई प्लस -1 to the power एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब आप एन की जगह वैल्यू रख के देखो, देखो देखो वैल्यू रख के, जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा? एन की जगह जब जीरो रखोगे तो थीटा की वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 0 पाए, -1 पावर 0, -1 पावर 0 इज 1, 1 into अल्फा, अल्फा आ गया। एन की जगह 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 पाए, और -1 की पावर 1 यानी -अल्फा। अब आप एन की जगह क्या रखोगे? -1 रख दो तो ये हो जाएगा -पाए, -1 to the power -1, वो भी माइनस होता है। देखो -1 to the power -1, उसको लिख सकते हैं आप -1 upon -1 to the power 1, सॉरी -1 to the power -1, तो इसको लिख सकते हैं दिस 1 upon -1 -1, तो ये भी माइनस अल्फा। अब अगर आप एन की जगह 2 रखोगे, तो एन की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो फिर थीटा क्या आ जाएगा आपका? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आप